ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में आज आदेश आएगा। दोनों पक्षों को सुनने और आपत्ति दाखिल करने के लिए समय देने के बाद में कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है, जिसमें आपको बता दें कि जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 2 बजे से सुनवाई होनी है और मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के मामले पर भी सुनवाई हो सकती है। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष चंद्र चतुर्वेदी से बात की है हमारे संवाददाता अभेंद्र प्रताप सिंह ने। देखिए, ज्ञान वापसी प्रकरण को लेकर आज सबसे अहम दिन माना जा रहा है। आज कार्बन डेटिंग को लेकर आदेश सुनाया जा सकता है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे क्या क्या अपनी तरफ से आदेश आने के बाद क्या जी आज कार्बन डेटिंग पर आदेश आएगा। देखिए, आज कार्बन डेटिंग पे नहीं आएगा, ये वैज्ञानिक जाँच जिसको कहा जाए, साइंटिफिक टेस्ट विशेषज्ञों द्वारा करवाया जाए, इस पे आदेश आना है कि करवाया जाए या न करवाया जाए। कार्बन डेटिंग का तो भ्रम फैला दिया गया। कार्बन डेटिंग उस परिसर का या शिवलिंग के आसपास का संभव है कि नहीं है, ये विशेषज्ञ बताएंगे, हम आप नहीं बता पाएंगे इसको। तो ये तय पहले होगा कि जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए तो किससे जांच होना चाहिए, ये न्यायालय जो है पूरी जांच करवाएगा। जब जांच का आदेश देगा तो न्यायालय विशेषज्ञों को बुलवाएगा, एसआई को टीम गठित होगी, वो आएंगे, वो बताएंगे कौन सी विधि जो है इसमें तय करना है। तो इसलिए ये केवल भ्रम फैला देना कि जो है कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग, पहले ये वैज्ञानिक विशेषज्ञ बताएंगे कि उस शिवलिंग का कार्बन डेटिंग होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो और विधि, तमाम विधियां हैं, वैज्ञानिक विधि है, वो और विधि बताएंगे। तो इसलिए इस पे आज आर्डर आना है कि वैज्ञानिक विधि से जांच जो है उस शिवलिंग का हो कि न हो, और होने के बाद हम लोग की मंशा यही है कि जो भ्रम बना हुआ है फवारा और शिवलिंग का, ये भ्रम समाप्त हो जाए। इसलिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक जो है वैज्ञानिक जांच की मांग की थी, सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद आज न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया जाना है कि जो है इस पे यह जाँच हो या न हो। इसलिए माननीय न्यायालय ने आज के लिए रिजर्व कर लिया था फैसले को। पिछली बार जो सुनवाई हुई थी, मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी कि उसको शिवलिंग के आसपास जो है उसकी अगर सर्वे करवाया जाएगा तो वो वहाँ से उसके साथ छेड़छाड़ कहा जाएगा, लेकिन आप लोगों ने अपने आपत्ति में कहा था कि उसके आसपास का जो सर्वेक्षण कराने की मांग की थी, तो उस पर अदालत ने एग्री हुआ था और आदेश सुरक्षित रखा था। देखिए, ऐसा है ना कि भाई हम लोग छेड़छाड़ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग के प्रार्थना पत्र में है कि बिना छुए बिना नुकसान पहुँचाए बिना छेड़छाड़ किए उसकी जाँच कराई जाए। भाई जब वैज्ञानिक विधि है, तमाम विधि है इनके पास, है रडार सिस्टम है, तमाम सिस्टम है, जब उससे जांच होगी तो छेड़छाड़ की बात कहाँ से आती है। छेड़छाड़ से ही तो बचने के लिए हम लोगों ने वैज्ञानिक विधि की बात क्यों की, इसलिए कि कोई नुकसान ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो। और हम लोगों की कहीं कतई मंशा नहीं है कि उस शिवलिंग को कहीं किसी प्रकार का आघात पहुंचे। उस शिवलिंग से छेड़छाड़ का मतलब अपने 100 करोड़ लोगों के का पर आघात है। इसलिए इस पे हम लोग कहीं कोई विचार ही नहीं कर सकते हैं कि जो इसको जो छेड़छाड़ किया जाए, ये सपने में भी हम लोग नहीं सोच सकते हैं। इसलिए केवल भ्रम फैलाया गया, बदनाम करने के लिए कहा गया कि ये लोग कार्बन डेटिंग करके छेड़छाड़ चाह रहे हैं, नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ये सब भ्रम की स्थिति, कहीं कुछ नहीं है। बिना नुकसान पहुंचाए शिवलिंग की जांच कराए, ऐसी हम लोगों की मंशा है। उसी पे माननीय न्यायालय आज उसको निर्णय लेना है कि इसको वैज्ञानिक जांच करवाया जाए या न करवाया जाए। अदालत अगर आपके पक्ष में आज फैसला नहीं देता है तो आगे की क्या रणनीति होगी? अब तमाम रास्ते खुले हुए हैं, वैसे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन तमाम रास्ते खुले हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तमाम रास्ता उनके लिए भी खुले हैं और हमारे लिए भी खुले हैं। इसलिए कहीं कोई इसमें संशय नहीं है, कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है और उसके बाद तमाम और भी विधियां हैं, बहुत से हम लोग के एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। तभी तो फैसला आपके पक्ष में आ जाता है, बड़ी अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। बिल्कुल मानी जाएगी, अगर ये फैसला हम लोगों के पक्ष में आता है तो ये मुकदमे का पूरा टर्निंग पॉइंट होगा। ये जो विवाद है मंदिर और मस्जिद शिवलिंग फवारे का, सारा विवाद समाप्त हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि नहीं, ये मंदिर था और ये शिवलिंग है। इसलिए ये हिंदुओं का है, ये तो ऐसा ही प्रमाणित हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पे जांच हो, जांच होने के बाद निर्णय आ जाए ताकि कहीं कोई विवाद न रहे। तो इसको लेकर अब देखिए कि जो फैसला आएगा, अगर अदालत इनके हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला देता है तो ये सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। उसके बाद अगर सर्वे करवाया जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये फवारा था या शिवलिंग था, इसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। अभी हिंदू पक्ष काफ़ी उत्साहित भी है इसको लेकर,
देखना होगा कि कोर्ट क्या आदेश सुनाता है। अभेंद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज, वाराणसी।